नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी मैं फिलहाल आ गया हूं अपने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से महज 16 किलोमीटर दूर जौनपुर वाले हाईवे पे, जहां एक जगह पड़ता है बीच में उमराहा, और वहां पर बन रहा है भाई दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल जिसका नाम है स्वर्वेद महामंदिर। तो अभी मैं फिलहाल आ गया हूं आपको दिखाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क क्या चल रहा है और कितना दिन अभी और लगेगा इसको बनने में, और अभी बन के कितना तैयार हुआ है। फिलहाल आप देख पा रहे ये एरिया पूरा है, यहाँ पे पार्किंग वाला एरिया बनेगा कुछ, यहाँ पे कुछ डेकोरेशन या फिर बोल सकते हैं जो अच्छा लगे देखने में वो बनाया जा रहा है। यहाँ फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे ये पिंक वाला पत्थर है, और सामने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, और सामने आप देख पा रहे हैं सामने है स्वर्वेद महामंदिर। फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो हो सकता है कि आई थिंक जल्दी बनकर तैयार हो जाए। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है भाई साहब कि इस मंदिर में एक साथ बैठ करके लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे एक साथ बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं, तो सोचिए। और ऐसा भी है ना कि इस मंदिर में भाई किसी देवी देवता का पूजा नहीं होने वाला है, बस होगा तो होगा बस मेडिटेशन। तो चलिए आपको दिखाते हैं पास से वहाँ का नज़ारा, बाकी जो भी यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी आपको दिखाएंगे बारीकी से, फटाफट चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग अंदर यहाँ प्रवेश कर चुके हैं, और भाई बड़ी मुश्किल के बाद यहाँ थोड़ा आगे तक जाने की परमिशन मिला है मुझे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो है ना कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ही, मतलब जो यहाँ पे जो गार्ड लोग हैं जो यहाँ पे देखभाल करते हैं वो आगे जाने देते हैं, क्योंकि भाई हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बाकी देख सकते हैं सामने ऐसा कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क है, और बाकी इसके चारों तरफ ही ना काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ बना रखे हैं। मतलब मैं इसके करीब 11 महीने पहले इसका वीडियो बनाया था मैं, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा आई बटन में, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। बाकी मैं बता दूँ इसके बारे में, तो सामने आपको देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए, ऊपर बहुत बड़ा कमल का फूल जैसे बनाया हुआ है, और बाकी ये पूरा 6 मंजिला, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा ये 6 मंजिला इमारत है। अब सोचिए एक बार जब ये बन के तैयार होगा तो इसकी भव्यता कितनी प्यारी होगी, कितना बढ़िया देखने में लगेगा। तो ये सब इसके इन्फॉर्मेशन है। बाकी इधर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और आई होप जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो भैया आप इधर से ही हैं, तो इसका जो निर्माण है कब तक ख़त्म हो जाएगा इसका? ये 17-18 दिसंबर को उद्घाटन है। अच्छा, 17-18 दिसंबर को उद्घाटन है इसका, है तो उस टाइम कोई VIP आने वाले हैं? मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, मोदी स्वयं आने वाले हैं यहाँ पे। तो जो इसके बनने में कितना टाइम लगा अभी फिलहाल, क्यों गूगल तो कुछ और ही बता रहा है यहाँ पे? 2004 से 11, अच्छा लगभग वही 12-15 साल। नहीं ज़्यादा ना हो गया, कितना मतलब 2004 से ये 23 चल रहा है, 11 साल, लगभग 11 साल है ना, 11 साल पूरा हो जाएगा। तो अच्छा भैया, यहाँ पे वर्कर जो हमेशा डेली सुबह शाम काम करते हैं यहाँ पे, है ना, कितना वर्कर होंगे यहाँ पे? 300 के ऊपर वर्कर है, और काफ़ी भव्य मंदिर दिख भी रहा है यहाँ पे, और बाकी सुरक्षा मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी बढ़िया। मुझे हालांकि बहुत मुश्किल से परमिशन यहाँ तक आने के लिए मिला है ना। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या क्या इसकी सुविधाएं होने वाली है इस मंदिर के आसपास, उसका बता सकते हैं आप एक बार? इस मंदिर के चारों तरफ जैसे आप देख ही रहे हैं सर। हाँ जी, इधर ये लॉन रहेगा। अच्छा, इस तरफ जो बन रहा है लॉन बन जाएगा इस तरफ, है ना। बाकी इधर देख रहे हैं मतलब काफ़ी प्यारे प्यारे मूर्तियाँ सब बन रखा गया है, घोड़े हैं ना। और इसमें 221,000 साधक एक साथ बैठ के साधना। अच्छा, 21,000 साधक एक साथ इसमें साधन मेडिटेशन कर सकते हैं ना। अच्छा, बहुत बड़ी अमाउंट है, और हो सकता है कि जब ये बन के तैयार होगा तो इसकी भव्यता अपने आप में कुछ अलग ही होगा, और ये मुझे लगता है दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ होने वाला है ना। तो भाई हम लोग बहुत खुशनसीब है जो हम लोग बनारस में है, और बनारस में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। बाकी एक चीज़ पूछना था कि जो मूर्तियाँ पर रखा गया इसकी जो बनावट है, मतलब कहाँ के मिस्त्री लोग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब राजस्थान वगैरह? राजस्थान से। पत्थर सभी राजस्थान का ही होगा फिर तो, है ना? पत्थर भी राजस्थान से, वहाँ से मिस्त्री भी राजस्थान से। अच्छा अच्छा, तो अच्छा उसके ऊपर जो कमल का फूल रखा गया है उसमें कितनी पंखुड़ी है उसमें? हाँ अच्छा, कुछ टाइम पहले आपके पास मिलेगा वहाँ पे चले जाइए पूरा। अच्छा, मैं सुना था 11 महीने पहले आया था यहाँ वीडियो बनाने के लिए, बार में तो बोला गया था यहाँ पे स्वामी जी की सर 100 फीट मूर्ति बनने वाला है, 35 फुट की मूर्ति बनने वाली है, वो दाहिने तरफ उधर बनेगा। अच्छा दाहिने, तो फ्रंट तो यही होगा फिर इसका? फ्रंट पे है, फ्रंट ही है, नहीं बनेगा साइड में बनेगा। अच्छा, कितने गेट होगा इसके, मतलब पूरा कैंपस का कितने गेट हो सकता है इसमें, क्योंकि एक गेट तो यहाँ पे है, यहाँ पार्किंग वगैरह बन जाए, एक तो शायद पीछे से भी गेट है क्या? नहीं पीछे से गेट नहीं, मतलब मेन एंट्रेंस यही वाला है। नहीं। अच्छा, तो मतलब जब ये इसका उद्घाटन होगा 17-18 फरवरी को, तो उस टाइम तो भव्यता इसकी अलग ही होगी, इसकी सुंदरता काफी बन तैयार हो जाएगा। 25,000 कुंड का आयोजन भी किया गया है। 25,000 कुंड का। अच्छा, 25,000 हवन कुंड का आयोजन, मतलब उसी टाइम उद्घाटन तो उस टाइम तो बड़े बड़े संत महात्मा सब इस टाइम आने वाले हैं यहाँ पे।
भैया हाँ, अगर आप बनारस से हो या फिर बनारस का पूर्वांचल से बिलोंग करते हो तो भाई 17-18 दिसंबर को आना मत भूलिएगा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम इसकी भव्यता कुछ ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है। और मुझे लगता है बांसबली तो फिलहाल लगा ही रहेगा उस टाइम, सब हट जाएगा उस टाइम। अच्छा तो लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर एकदम तैयार हो जाएगा, हो जाएगी, ये ढलैया हो जाएगी, इसमें रोड बन रहा है, हाँ, और टाइल्स लग जाएगा, जी जी, और इसमें सुविधा अच्छी है, लाइटिंग वाइटिंग सब लग रही है। तो वाकई में काफ़ी प्यारा देखने में लगेगा और इसकी भव्यता को हम किसी पैमाने पर आँक नहीं सकते हैं। बाकी वहाँ पे सत्य काम लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब था बताएंगे एक बार, सत्य काम बीच में लिखा जाएगा सर्वेद महामंदिर स्वर्वेद, हाँ हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ से, हल्का हल्का दिख रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वर्वेद हल्का लिखा है, बाकी उसकी कलरिंग करना बाकी है फिलहाल, लगा रहे हैं हाँ। बाकी ये वाला जो मंदिर है ना भाई, वो करीब 6 मंजिला इमारत है और इसमें एक साथ करीब 20,000 से 21,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे वहाँ भैया बता रहे थे कि यहाँ इसकी कुछ गुरुकुल वगैरह चलता है, गुरुकुल इसका गुरुकुल चलता है यहाँ पे, करीब 350-400 बच्चे वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा गुरुकुल में 350-400 उसका हम अगर इंटरव्यू लेना चाहें बच्चों का तो ले सकते हैं वहाँ जाके, वहाँ जाके ले सकते ले सकते हैं ना। तो भैया आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इसका जो गुरुकुल है वो कैसे काम करता है, वो सभी आपको जानकारी अगले वीडियो में हो सकता है जूम है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैंपस में और क्या क्या बन रहा है। फिलहाल मुझे थैंक यू भैया, थैंक यू। बाकी मुझे यहाँ से आगे मुझे जाने की परमिशन नहीं मिला था, और हालांकि हमारी सुरक्षा को देखते हुए आगे जाने की परमिशन नहीं मिला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े क्रेन वगैरह चल रहा है यहाँ पे और बाकी इलेक्ट्रिक वायर सब है, जिस वजह से मुझे आगे जाने की परमिशन नहीं मिला है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन वगैरह बनेगा, तो जितने श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी वो जो देख पा रहे हैं आप प्रकल्प केंद्र, वो पहले इस तरफ बना था यहाँ पे, तो उसको हटा करके फिलहाल वहाँ किया गया, क्या कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी तेज़ी से चल रहा है क्या भैया? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े क्रेन वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, और बाकी आपको दिखाते हैं आपको आगे का, आगे इस तरफ क्या क्या बनने वाला है, पहले वो आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस स्वर्वेद महामंदिर के जो पार्किंग वाला एरिया है जो इसका निर्माण अभी हो रहा है, वो दिखा देता हूँ आपको बारीकी से काफ़ी बढ़िया से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पर भी देखने को मिल रहा है, इसकी जो कैंपस है ना बहुत बड़ा विशाल कैंपस है। बाकी ऐसा कुछ अभी निर्माण अभी हो रहा है। बाकी मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला कि इस जगह पर जो वृद्धाश्रम हो गया या फिर मेडिकल के लिए हो गया, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ऐसा कुछ जो मेन मेन चीज़ होता है जैसे श्रद्धालु के लिए होता है, जो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए जितनी सुविधाएं होता है वो इस जगह बनेगा। बाकी देख पा रहे हैं पूरा जो है ना ये लाल पत्थर का ही, पिंक वाले पत्थर जो है जो राजस्थान की पत्थर है उसी का निर्माण यहाँ पे कराया जा रहा है। बाकी देख पा रहे हैं ऐसा कुछ यहाँ से लग रहा है, और सामने आपको देख पा रहे हैं इस पर पूरा इन्फॉर्मेशन इस पर दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी सामने से ऐसा कुछ लग रहा है मंदिर देखने में जो कि काफ़ी विशाल लग रहा है, जब ये बनकर तैयार होगा यानी कि 17-18 दिसंबर को तो उस टाइम इसकी खूबसूरती कुछ और ही होगा। भैया इस एरिया में क्या क्या बनने वाला है यहाँ पे, इस एरिया में क्या क्या बनने वाला है? ये पूरा पार्क रहेगा ना। अच्छा पार्क होगा इसमें रहेगा ना। अच्छा कब से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2014 से काम कर रहे हैं आप लोग। अच्छा उसमें भी काम किए आप लोग? अच्छा अच्छा तो भैया आप अंदर तो गए होंगे उसमें, कैसा दिखता है अंदर से? थोड़ा जोर बोलिएगा, अच्छा है, काफी बढ़िया होगा ना। अच्छा अंदर हॉल जैसे है पूरा, भगवान तो इसमें होंगे नहीं, पूजा पाठ होगा इसमें? हाँ पूजा पाठ सब होगा। अच्छा सब होगा हाँ। तो चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आप समय इसका नज़दीक आ गया उद्घाटन का, 17-18 दिसंबर टाइम आ गया इसका है ना हाँ। तो चलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोग काफ़ी मेहनत की है इसमें। बाकी यहाँ पे पूरा पार्क बनेगा, वृद्धाश्रम सब इधर बोले भैया इधर बनेगा शायद है ना, हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा तो जैसे कि आप देख पा रहे इस एरिया में, और इसके कैंपस जो काफ़ी अच्छा, इसके आगे भी इसका एरिया है क्या इसके? हाँ 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 हाँ। अच्छा जैसे कि आप देख पा रहे सामने जो क्रेन रखा हुआ है ये वाला एरिया, वहाँ तक पूरा इसका एरिया है। तो भैया बता रहे हैं कि इस एरिया में पूरा यहाँ पर हॉस्पिटल हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, या फिर सुविधाएं जो पब्लिक के लिए जितने सुविधाएं महिलाओं ने हाँ हाँ माँ बाप जिसका बेटा नहीं पढ़ रहा है वृद्धाश्रम माँ बाप को हाँ हाँ, तो वो सब रहने के लिए व्यवस्था भी होगा। अच्छा तो मतलब सभी चीज़ यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे भैया लोग काम कर रहे हैं, जिसका बेटा हाँ हाँ नहीं मानता है तो उन लोगों के लिए रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा ना। चलिए बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो देख लीजिए ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है भैया, मतलब जब बन के तैयार हो जाएगा तो वाकई में काफ़ी भव्य बनने वाला है ये। और बड़ी बड़ी पत्थरें यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे, कटाई वटाई चल रहा है इधर सामने, उस तरफ अभी मूर्तियाँ काम चल रहा है उस तरफ वहीं पे, और वहीं पे मूर्ति जो बन रहा है उसको ऊपर लगाया जाता है। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर काम चल रहा है, देखिए इधर फिलहाल इधर भी पत्थर कटाई हो रहा है इस तरफ में, जैसे धूल देख पा रहे। और बाकी इधर देख पा रहे यहाँ पे एक नहर है, तो भैया जब ये बनेगा तो इसकी रोड जो है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। और सामने आप देखिए वहाँ से बस चल रही है, मतलब ये सीधे रोड जो है ना इधर तरफ ये जौनपुर चला जाएगा,
और ये वाला बनारस की तरफ निकल जाएगा। तो भैया आप जब भी अगर आप पूर्वांचल से बिलोंग करते तो आप यहाँ पे जरूर आइए, मस्ट विजिट प्लेस है। और जब ये बन के तैयार होगा तो भाई मैं तो जरूर आने वाला हूँ इस टाइम वहाँ पे 17-18 दिसंबर को, तो आप भी जरूर यहाँ पे आइएगा। बाकी और देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिल जाए सामने, वहाँ प्रसाद वगैरह मिलता है वहाँ पे, तो फिलहाल अभी हम वहाँ गए नहीं है, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ लड्डू मिलता है और जो साधना के जो स्रोत होते हैं, जो मेडिटेशन के कुछ पार्ट होते हैं, वो भी वहाँ पे बताया जाता है उस जगह पर। सामने देख पा रहे स्वागतम केंद्र वहाँ पे भाई, वहाँ गुड़ के लड्डू मिलते हैं, पिछली बार आया था मैं चपक के खाया था वहाँ पे। बाकी देख लो सामने कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ से मंदिर का। बाकी यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बाकी काफ़ी भव्य है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है इसका है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में कुछ बढ़िया लिखिएगा। और अब अगले बार जब भी आएंगे ना तो यहाँ की जो पूरा डिटेल वीडियो होगा यानी 17-18 दिसंबर को उस टाइम आएंगे और पूरा बढ़िया दिखाएंगे इसकी लाइटिंग शो कैसा होने वाला है और क्या क्या होने वाला है, सभी बारीकी से दिखाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नीचे का बताते के लिए जय श्री राम।